Dear friends, welcome to my channel. In this video, I, Ashok Mukhopadhyay, will take you a tour to the ruins of Nalanda University. The ancient Nalanda is believed to be the origin of the Buddhist philosophy. The fact of this tour has been narrated in Hindi language, but subtitles in English provided in this video will make everything clear to all of you. If you like this video, please subscribe to my channel and share to others. Thank you. मैं गाइड के रूप में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। वैसे मुझे लोग यदु नंदन कहते हैं। ये हम लोग अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का हम लोग रूइंस देखने जा रहे हैं, खंडहर देखने जा रहे हैं, जो 1500 साल पुराना है। यानी आज से 1500 साल पहले हमारा पूरा एशिया महादेश में केवल 3 यूनिवर्सिटी था जो इंडिया में था। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, वो हिंदू यूनिवर्सिटी था। दूसरा नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, तीसरा विक्रमशिला बिहार में ही भागलपुर के पास है, वो भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे फेमस नालंदा रहा। नालंदा का मतलब होता है नालम जोड़ दा। नाला मतलब कमल का फूल, कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला, वो है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले राजा सम्राट कुमार गुप्त ने सन 500 ईस्वी में बनवाया, 5th century AD में, जो मगध का राजा था। उसके बाद 7th century AD में राजा हर्षवर्धन ने इसको रिकंस्ट्रक्शन किया, जो कनौज का राजा था। फिर 9th century AD में राजा देवपाल ने रिकंस्ट्रक्शन किया, जो बंगाल का राजा था। 12th century AD में बख्तियार खिलजी ने पूरे यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, जला दिया। वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट में आया था अफगानिस्तान से। उसके बाद बाय नेचर धीरे धीरे मिट्टी ढकता गया, एक पहाड़ जैसा हो गया। इसकी खोज कि नालंदा कहाँ पर है, एलेक्जेंडर कनिंगम ने किया 1861 में। एलेक्जेंडर कनिंगम जो कि उस समय बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसके बाद इसकी खुदाई अंग्रेज लोगों ने करवाया 1915 to 1940। चाइनीज ट्रेवलर हवेनसांग जो यहाँ का 6 साल स्टूडेंट रहा, 6 साल टीचर रहा, वो जब वापस चीन गया, अपने डायरी में नालंदा के बारे में लिखा था, नालंदा यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर थे। उस डायरी के आधार पर अंग्रेज लोगों ने जो खुदाई करवाया 1 किलोमीटर में, खुदाई करने के बाद 2 लाइन मिला। एक लाइन में मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब विहार, विहार मतलब रहने पहने की जगह। एक लाइन में बुद्ध का मंदिर। इस यूनिवर्सिटी में 3 बहुत बड़ा बड़ा लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्नदधि, रत्नसागर, रत्नरंजक, जो 9 मंजिल का होता था उस जमाने में, 9 straight building। बख्तियार खिलजी जब जलाया था 6 महीना तक जलते रहा था, इतना किताब था। खुदाई में अभी उसका कोई भाग नहीं मिला। और इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे पंडित सील भद्रा। जो बिल्डिंग एक्चुअली क्या है कि छत गिरा ना सबका, ईंटा कहाँ गिरा, ये तो बाद में पिलर ढाला गया। हाँ, ये तो सपोर्ट के लिए। अच्छा, 1 मिनट यहाँ रुकेंगे सर। ये अभी हम लोग जिस गेट से प्रवेश करने जा रहे हैं, ये नया गेट बनाया, जबकि इस यूनिवर्सिटी में 4 गेट था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हर गेट पर एक एक द्वार पंडित होता था, जिसको अभी बोलते हैं गेट कीपर, दरवान, द्वारपाल। उस समय बोला जाता था द्वार पंडित, इतने पढ़े लिखे होते थे। वो पहले किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन टेस्ट लेता था, उसके बाद उसका एडमिशन होता था।
आरंभ किया। तो ये सब रहने के लिए कमरा है, आने जाने के लिए कॉरिडोर है और गुप्त राजकाल में दीवारों ये छोटा छोटा हॉस्टल रूम था। एक रूम में एक स्टूडेंट रहता था। तो ये सब जो रूम से गुप्ता पीरियड का जो पहला राजा बनाया 200 वर्षों के बाद ये खराब हो गया, इसको भर दिया। इसी फाउंडेशन पे राजा हर्षवर्धन ने बनवाया, 200 वर्षों के बाद खराब हो गया, इसी फाउंडेशन पे पाल राजा ने बनवाया। आपको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजी वाले ने इसको काटा, एक लेयर मिला, इसको काटा, एक लेयर मिला। 1500 साल पुराना, 1300 साल पुराना, 1100 साल पुराना, माने उस टाइम पे रिपेयर सिस्टम नहीं होता था, खराब होता गया, ढकता गया, बनाता गया। माने 5th century AD का, 7th century AD का, 9th century AD का इसका एक पैसेज था। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए, यहाँ तक के जो आप देख रहे हैं कंप्लीट ओरिजिनल, इसमें कोई चेंजेज नहीं, ऊपर टोटल रिपेयर। लेकिन ये इटा भी पुराना, जो खुदाई में मिला उसी को डाल दिया। पहले की जो जुड़ाई होती थी, चूना, सुरकी, उड़द का दाल, गंदा वाला गुड़, ये दिया जाता था। तो ये जितना आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं 50% रिपेयर है, नहीं तो डे बाय डे गिरता जाएगा। इसको जोड़ने के लिए मतलब क्या यूज करते हैं? बोला ना, चूना, सुरकी, उड़द का दाल, गंदा वाला गुड़, तो चीटा गुड़। वे नालंदा का मेन बुद्धा टेम्पल। ये सारे, ये जो चबूतरे सब बने हैं, ये स्टूडेंट लोग बैठ करके ध्यान करते थे, आसन करते थे, योगाभ्यास करते थे, सन वाथ लेते थे। और जैसे वो बना हुआ है वो हवा जाने के लिए, लाइक वो तो न्यू ड्रेनेज। वो भी बुद्धा का टेंपल। ये लाइन टेंपल हो गया, ये लाइन सारे मोनस। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नंबर 1, हम लोग जिस मोनेस्ट्री को देखने जा रहे हैं, इधर से प्रवेश द्वार था और हर प्रवेश द्वार के पास दोनों तरफ बुद्धा का स्टैचू हुआ करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि बोल के भीतर प्रवेश करते थे। इतना मोटा लकड़ी का दरवाजा होता था। बख्तियार खिलजी जब जलाया, ये जले का निशान, ये काला झामे हो गए। तो मतलब बख्तियार खिलजी ने केवल जलाया ही नहीं, बहुत सारे मॉन्क को जान से मार दिया। वो लोग इतने क्रूयल थे। अभी आपने सुना होगा 8 साल पहले तालिबान बानियान में कितना बड़ा बुद्धा मूर्ति तोड़ दिया, तो आज भी वही काम कर रहे हैं, सेम हैपनिंग टुडे। छोटा हॉस्टल रूम्स है, तो ये सब जो रूम्स है 7th century AD हर्षवर्धन पीरियड का। ये जो ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, ये ओरिजिनल अंडरग्राउंड होता था, न्यू रिपेयर किया, न्यू प्लास्टर किया, सब जगह का पानी एक कमरा में आ गया, चैम्बर हो गया, यहाँ से बाहर चला गया। और बाहर कहाँ जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंडर में 52 तालाब था, उसी में सब पानी चला जाता था। तो ये ड्रेनेज जो सिस्टम जो है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। ये सब कमरा जो है 7th century AD का, और ऊपर जो है पाल पीरियड का 9th century AD का। तो गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड में जो रूम होते थे उसमें कोई बेड नहीं होता था। पाल पीरियड में सब जगह बेड मिला है, इसका मतलब टाइम टू टाइम
चेंजेज होता गया, लग्जूरियस होते गए। तो पाल पीरियड पे तो हम कभी कहीं जाएंगे नहीं, ऊपर सब जगह जाना माना है। बेड मिला कि बेड मिला कहने का मतलब? बेड कंक्रीट का बेड। बताया 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर। स्टूडेंट को मॉन्क बोला जाता था, भिक्षु। एक रूम में एक भिक्षु रहते थे, जमीन में सोते थे, कठिन जीवन। इसे मेडिटेशन रूम कहा जाता है। छतें जो होती थी लकड़ी का बिम, उसके ऊपर टाली। इधर में बुद्धा मूर्ति रखने के लिए, इधर में दिया रखने के लिए, लैंप। उस जमाने में खिड़की नहीं होती थी, विंडो सिस्टम नहीं होता था। 2400 घंटा घी का दिया जलता था। घी की कमी कहाँ थी भारत में, दूध की नदियां बहती थी। दीवार का चौड़ाई अंदर 5 फुट, बाहर 10 फुट। गर्मी में गर्म हवा नहीं जाएगा, ठंडा में ठंडा हवा नहीं जाएगा। जस्ट लाइक ए नेचुरल एयर कंडीशन। नीचे से ठंडा तो लगता होगा जब जमीन में सोते होंगे। नहीं, ठंडा क्या लगेगा? क्यों? मेडिटेशन, मेडिटेशन रूम, मेडिटेशन रूम है ना, कठिन जीवन। अभी 10 फुट का कमरा भी नहीं होता है। अस्टर केवल चूना और बना का कितना मजबूत है, बीबी देखिए। चूना बालू और गुड़ नहीं, प्लास्टर चूना बालू कह क्यों नहीं। मैंने ये सब देखिए टेक्नोलॉजी, लेकिन पेंटिंग नहीं मिला है कहीं। पेंटिंग कहीं में नहीं मिला? नहीं। कैसे मिला, जल गया? नहीं, होता ही नहीं था, क्योंकि सामने में क्या है, ऐसा दीवार, वो दीवार उसको और अंदर काटेगा, रूम मिलेगा। नहीं नहीं, काला है इसीलिए बोल रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, वो कंक्रीट नया डाला ना सपोर्ट के लिए। एक एक मोनेस्ट्री हो गया, चारों तरफ होस्टल रूम्स, 35 रूम्स, 35 भिक्खु। अब हम लोग जा रहे हैं लेक्चर हॉल में। और लेक्चर हॉल जो होता था ना, वो ओपन में होता था, ओपन। उधर में मैंने आपको 3 पीरियड का कमरा दिखाया, यहाँ पर 3 पीरियड का आप लेक्चर हॉल देखेंगे। ये नीचे लेवल गुप्त पीरियड का, जब ये लेक्चर हॉल था, ये सब कुछ नहीं, ओपन ओपन। स्टूडियो लोग यहाँ बैठते थे, 35 मॉन्क्स। और यहाँ से प्रोफेसर को आचार्य बोला जाता था। यहाँ से आचार्य जो है प्रवचन दिया करते थे। मैं जो बोल रहा हूँ लेक्चर हो गया, वो बोलते थे प्रवचन हो गया। अच्छा, और प्रवचन तो देते थे क्या, 20 मिनट, आधा घंटा। और लिखा पढ़ी नहीं होता था, ग्रासिंग कैपेसिटी होती थी उस जमाने में। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल, 200 वर्षों के बाद खराब हो गया। इसके ऊपर ये लेवल आ गया हर्षवर्धन पीरियड का। जब ये लेवल हर्षवर्धन पीरियड का लेक्चर हॉल हुआ, तो ए लेक्चर स्टेज के जगह पर ए लेक्चर स्टेज हो गया, हाफ हाफ। ए जब ए लेवल खत्म हो गया, इसके ऊपर आ गया पाला पीरियड का लेवल, सबसे ऊपर लेक्चर स्टेज। पाला
वाला पीरियड का लेवल कौन सा है? वो लेक्चर हॉल का वो लेवल, वो देखिए वो जो है ना वो लेवल हो गया। और पाला पीरियड का ऊपर में हॉस्टल रूम बरांडा, जैसे इधर में हॉस्टल रूम बरांडा देखा है, मतलब सेम पैटर्न सेम डिजाइन में कंस्ट्रक्शन हुआ। केवल अंतर इतना ही है कि पाल पीरियड में रूम में बेड बना दिया है, कंक्रीटिंग बेड। एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ग्रामर, सब चीज़, आयुर्वेद, सब चीज़ की पढ़ाई होती थी। और पढ़ते पढ़ते जो लोग मर जाते थे और उनके मरने के बाद उनके डेड बॉडी को उनको घर नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि यातायात का साधन नहीं था, तो उनका यहीं पे स्तूप बनाया जाता था, जो मैं आपको स्तूप दिखाऊंगा। छुट्टी यहाँ छुट्टी, एक्चुअली दिस वॉज नॉट यूनिवर्सिटी, दिस वॉज कॉल्ड महाविहार। महाविहार मेडिटेशन सेंटर, यू कैन से बिग मेडिटेशन सेंटर। इसे छुट्टी का बात कहाँ है? चंचल बंजन को पढ़ाते थे। अच्छा, ये जो ब्रिक देख रहे हैं ना, सबसे पुराना 1500 साल पुराना, 12 इंच बाई 8 इंच बाई 2 इंच, ये गुप्ता पीरियड का होगा ना। इसके नीचे खोदा गया मिट्टी? नहीं, उसका कितना? 2 इंच। हाँ बताया तो 12, 8, 2। अच्छा, ये सामने दोनों कमरा देख रहे हैं, यहाँ से खुदाई करने के बाद जला हुआ चावल मिला, जिससे प्रूफ हुआ चावल का गोडाउन था, भंडार। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए उसका रूफ जो है, देखिए कमानीदार छत विदाउट एनी सपोर्ट, इसे आर्च कहा जाता है। और आर्च जो है रोमन पीपुल कॉपी फ्रॉम इंडिया। डायरेक्ट इंटर नहीं करता था, जब ये छत था लाइट के लिए, ये गेट के पास ईस्ट एंड वेस्ट ये दोनों तरफ माइका स्टोन लगा है, माइका। इसके ऊपर कॉपर प्लेट था, सूर्य से रिफ्लेक्ट करके टेंपल में लाइट होता था। क्लेवर इंडियन टेक्नोलॉजी। कोने में कुआ पानी के लिए। तो ये जो है एक मोनेस्ट्री, एक कॉम्प्लेक्स का ही, एक सब्जेक्ट के लिए। क्या सब्जेक्ट में पढ़ाई होता था ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो कहीं लिखा मिला नहीं। तो ये कंप्लीट रेसिडेंशियल, खाना पीना पढ़ना लिखना सब यहाँ पे, लाइक आश्रम गुरुकुल शांति निकेतन। पीरियड का 5th century AD, ये जिसके ऊपर खड़े हैं 7th century AD, ये ऊपर जो स्टेयर केस आप देख रहे हैं ना, ये स्टेयर केस 9th century AD का उस टाइम में बना जब ये भरा हुआ था। सभी जगहों पे आर्कियोलॉजी वाले ने काट काट कर 3 लेयर को दिखा के प्रूफ किया, 3 फेज में बना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गुप्ता पीरियड का सिंबल होता था धनुष, बो। वो देखिए वहां पे वो छोटा सीढ़ी देख रहे हैं ना, वो सीढ़ी के नीचे देखिए है ना धनुष बना हुआ है ना, देखे वो प्रूफ हुआ एक गुप्ता पीरियड में बना 5th century AD। तो नालंदा का हिस्ट्री वेरी क्लियर। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग ने जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे खुदाई में यहाँ मिली। तो 80% क्लियर, 20% इमेजिनेशन, और मोनूमेंट का इमेजिनेशन होता ही है। तो जिसने लिखा उनका क्या, वो उनका नाम क्या है? ह्वेनसांग। कितने साल पहले लिखे? यहाँ 12 साल रहे थे। मतलब कब लिखे? 7th century AD में। पंद्रह सौ साल पहले का 5th century AD, 7th century AD, 9th century AD, 600 BC, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध इधर आए थे। पाली साहित्य के अनुसार उस मैंगो गार्डन को बोला जाता था पावारिका अम्रवन। भगवान बुद्ध नालंदा के लोकल दो आदमी को शिष्य बनाया, एक का नाम था सारिपुत्र, दूसरे का नाम था मुगलाना।
सारी पुत्र के गांव का नाम था उपतिशा, मुगलाना गांव का नाम था कोलिता। ऐसा हमारा हिस्ट्री बोलता है, सारी पुत्रा का जिस रूम में जन्म हुआ उसी रूम में डेथ हुआ, और रूम मिला नहीं, तो नालंदा में जन्म हुआ, नालंदा में डेथ हुआ। ने जब टेम्पल यहां बनाया उसी टाइम से बहुत भिक्षुक लोग रहना शुरू कर दिया, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ते गई, जो गुप्ता पीरियड में यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया। तो नालंदा स्टार्ट होता है 2500 साल पहले, किंतु नालंदा यूनिवर्सिटी 1500 साल पहले। पाली साहित्य के अनुसार ओरिजिनली इस प्लेस का नाम था नालो, जिससे हुआ नालक, नालंद, नाउ इट इज कॉल्ड नालंदा। नाल कमल का डेंटल, नॉलेज का प्रतीक है। और उसके बाद ये टेम्पल जो है 7 बार बना, 7 बार खराब हुआ, इसलिए इतना ऊंचा है। ये पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं है। और दीवार पे कुछ जो बुद्धा का मूर्ति उत्ति जो है सब नष्ट हो गया है, सब टेराकोटा का है, गुप्ता पीरियड का जो है। गुप्ता पीरियड बुद्धिज्म का सबसे गोल्डन पीरियड माना गया है इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ पे स्कॉलर कौन कौन थे, जैसे अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, आतिशा, बुद्ध घोष, अश्व घोष, पद्म संभवा, शांति देव, आर्य देव, वसुबंधु, नागार्जुना, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांत रक्षिता, ये लोग बड़े बड़े स्कॉलर थे। गुरु पद्म संभवा एक ऐसे स्कॉलर हुए जो यहाँ से तिब्बत गए और तिब्बत में ऐसा मोनेस्ट्री बनवाया, दूसरा धर्म कीर्ति। तो हिस्टोरियन लोगों का कहना है कि बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम नालंदा टू टिबेट, टिबेट टू भूटान, भूटान टू चाइना, चाइना टू ऑल ओवर एशियन कंट्री। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह से ये लाइन जो है ना, ये सारे टेम्पल एंड स्टूपा सेम पैटर्न सेम डिजाइन, ये लाइन सारे आपका मोनेस्ट्री हो गया। ये लाइन में रहो पढ़ो खाओ, ये लाइन में पूजा करो। के सर के ऊपर छोटा सा बुद्धा का मूर्ति बना रहेगा, उसको बोला जाता है अमिताभ, समझे, अमिताभ बोलता है। और बोधिसत्व जो है, बिफोर इनलाइटमेंट बुद्धा कॉल्ड बोधिसत्व, और बोधिसत्व की पहचान क्या है कि एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में एक पॉट है जिसमें शुद्ध जल रहता है, और सर के ऊपर छोटा सा बुद्धा का मूर्ति बना होता है जिसे अमिताभ कहा जाता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पहले वो तो राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, इसलिए उनको उस रूप में दिखाया गया, क्राउन, ऑर्नामेंट्स, यज्ञोपवीत। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सारा चीज खत्म हो जाता है और हेयर रिंग हो जाता है। यही है बोधिसत्व और बुद्धा स्टेजेस। लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्धा हो गए। नहीं, जब राजकुमार थे तब भी बोधिसत्व नहीं, वो कैसे होंगे। अच्छा, और जो है ज्ञान की प्राप्ति जब बोधगया में हुई तो वहाँ पर एक मार नामक राजा था जो दंड विद्या का राजा था बोधगया का। तो वो जो है बुद्ध को देखा, बोला हाँ तुमको कैसे बोलता है कि ज्ञान का प्राप्ति तुम्हारा हो गया, बताओ कोई प्रूफ है। तो उन्होंने धरती को साक्षी मानकर बताया कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है या न हुई है, धरती बोलेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध का जितना पोज है, अर्थ टचिंग पोस्चर ही बुद्ध का मेन पोज है।